Hey what's up guys, welcome back to another video। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 इंडियन गेम्स ऑन एंड्रॉइड। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इन सभी गेम्स को इंडियन डेवलपर्स ने बनाया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, पास में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सो गाइस, लिस्ट में नंबर 5th गेम आता है, उसका नाम है WWE रेसिंग शोडाउन। इस गेम की बात करें तो 674 MB का ये गेम आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली एक बाइक रेसिंग गेम है जिसमें कि आपको बाइक रेसिंग करनी होती है, लेकिन इस गेम में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको रेसिंग के दौरान WWE के सुपरस्टार्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली WWE के जो सुपरस्टार्स है जैसे कि खली, अंडरटेकर, जॉन सेना, ये सब बाइक रेसिंग करते हैं और अपने अपोनेंट्स को हराते हैं, और रेसिंग के दौरान ये अपने अपोनेंट से फाइट लड़ सकते हैं और अपने जो ऑफिशियल मूव्स है उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो गेम की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग गेम आपको देखने को मिल जाता है एंड काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं एंड कंट्रोल्स भी काफी इजी है। तो इस गेम को एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आपको काफी मजा आएगा। दोस्तों लिस्ट में नंबर 4th गेम आता है, उसका नाम है स्कारफॉल। इस गेम की बात करें तो 406 MB का ये गेम आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये गेम जो है वो बैटल रॉयल कैटेगरी में आता है। तो इस गेम में आपको पबजी जैसा सेम सीन देखने को मिल जाता है। आपको एक आइलैंड पे जाना होता है और वहां पर एंड तक सर्वाइव करना होता है। गेम की बात करें तो ग्राफिक्स आपको काफी बढ़िया क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं एंड इसके कंट्रोल्स वगैरह भी काफी ईजी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गेम काफी बढ़िया लगता है एंड इस गेम में आपको काफी सारे अलग अलग व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप उनको ड्राइव कर सकते हो। एंड इसमें आपको हेलीकॉप्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप हेलीकॉप्टर से भी अपने आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एंड तक सर्वाइव करना है एंड नंबर 1 प्लेयर बनना है। तो ओवरऑल गेम की बात करें तो गेम काफी अच्छा है, काफी अच्छी क्वालिटी आपको ऑफर कर देता है। 406 MB के हिसाब से काफी बढ़िया गेम है, तो इसको भी एक बार ट्राई करके जरूर देखना। दोस्तों इसमें नंबर 3rd गेम आता है, उसका नाम है फौजी। 477 MB का ये गेम है एंड काफी कंट्रोवर्शियल गेम है, लेकिन गेम की बात करें तो काफी डिसेंट से ग्राफिक्स आपको ऑफर कर देता है। ओवरऑल एक ठीक ठाक गेम है। तो इस गेम का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आप इंडियन आर्मी के एक सोल्जर हो और इंडो चाइना बॉर्डर पे आप अपने एनिमीज से फाइट करते हो और आप अपने साथियों को बचाते हो। तो ओवरऑल गेम की बात करें तो काफी डिसेंट सा गेम आपको देखने को मिल जाता है। इसको लॉन्च तो ऐसे किया था कि बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस गेम में अभी भी इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखते हो सकता है फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट्स आ जाए। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक गेम आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें नंबर 2 गेम आता है, उसका नाम है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। इस गेम की बात करें तो 124 MB का ये गेम आपको देखने को मिल जाता है एंड प्ले स्टोर पे सबसे बढ़िया ट्रेन सिमुलेटर गेम अभी तो यही है। इस गेम की बात करें तो आपको इंडियन ट्रेन ड्राइव करने को मिल जाती है। ओवरऑल गेम के एक्सपीरियंस की बात करें तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। ग्राफिक्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और कंट्रोल्स भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग ट्रेन को आप ड्राइव कर सकते हो, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन हो गई, गुड्स ट्रेन हो गई, अलग अलग एक्सप्रेस को आप ड्राइव कर सकते हो, जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, ऐसी काफी सारी एक्सप्रेस को आप ड्राइव कर सकते हो। ओवरऑल गेम की बात करें तो काफी बढ़िया ट्रेन सिमुलेटर गेम आपको देखने को मिल जाता है। तो इस गेम को एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आपको काफी मजा आएगा। दोस्तों इसमें नंबर 1 गेम आता है, उसका नाम है भाई द गैंगस्टर। इस गेम की बात करें तो ये ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आपको GTA जैसी थोड़ी बहुत फील आ जाएगी। इस गेम में आपको कम्प्लीटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है एंड आपको इंडियन टच देखने को मिलता है। तो आप सिंपली एक भाई हो जो कि गैंगस्टर बनना चाहता है अपने टाउन में, तो आपको अलग अलग मिशंस देखने को मिलेंगे, उन मिशंस को आपको कम्प्लीट करना है। बेसिकली स्टोरी लाइन गेम है, तो स्टोरी लाइन मिशंस को आपको कम्प्लीट करना है। गेम की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें आपको हिंदी में लिखे हुए टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे और जो कैरेक्टर्स है वो भी हिंदी में बात करते हैं। तो ओवरऑल गेम की बात करें तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे देता है एंड आप अगर एक ओपन वर्ल्ड गेम ढूंढ रहे हो एंड्रॉइड में, तो इस गेम को आप एक बार ट्राई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 101 MB का ये गेम है और ओवरऑल काफी अच्छा गेम लगता है। स्टोरी लाइन मिशन से उनको कंप्लीट करो और गैंगस्टर आपको बनना है। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा गेम है, इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताए टॉप 5 इंडियन गेम्स ऑन एंड्रॉइड। ओवरऑल सारे गेम्स काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं, सभी गेम्स की ग्राफिक की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। तो इन गेम्स को एक बार ट्राई करके जरूर देखना और इंडियन डेवलपर्स को सपोर्ट करो। तो बस मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।